iPhone 6s Plus 2GB इसकी रैम है, Apple A9 का चिपसेट है, अपडेट अभी तक इसमें आ रहा है, करंटली अभी इसमें iOS 15.1 चल रहा है, बैटरी इसकी 2750 mAh की है। बस अब आते हैं मेन पॉइंट पे, तो आज हम करने वाले हैं जी इसका बैटरी टेस्ट। बैटरी टेस्ट ऐसे कोई हल्के वाला नहीं होने वाला, थोड़ा सा हैवी होगा, डीप टेस्टिंग करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं हर चीज कवर करने वाला हूं, जो कुछ मुझे नजर आएगा वो मैं सारा कुछ कवर करने वाला हूं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप वीडियो एंड तक देख सकते हैं। भाई हम तो यही कह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, देखना नहीं देखना। तो यार बैटरी टेस्ट होने जा रहा, तो सबसे पहले आईफोन में जो मेन चीज होती है वो आईफोन की बैटरी हेल्थ होती है। अभी इसकी जो करंटली बैटरी हेल्थ चली है वो 82% है, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो ओरिजिनल है। अगर इसकी बैटरी हेल्थ 100% होती तो ये जो परफॉर्मेंस आपको अभी देगा उसके कंपैरिजन में आपको एक घंटा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा आराम से मिल जानी थी। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं फोन को 0% से 100% तक चार्ज करूंगा, चेक करूंगा ये फोन कितनी देर में चार्ज होता है। चार्जिंग के लिए मैं फास्ट चार्जर नहीं यूज करने वाला हूं, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। मैं ये नॉर्मल 10.5 वाट का पुका का चार्जर यूज करने वाला हूं, और चेक करते हैं इसके साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये है जी आईफोन 6s प्लस, बैटरी इसकी फुल डेड है। ये 10.5 वाट का चार्जर है, ये लग गया यहाँ पे, इसमें लगी ये केबल और ये लग गया फोन में। ये हो गया ऑन और टाइमर मैंने कर दिया स्टार्ट। अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे इसने 32% चार्ज किया जी। यहाँ पे 1 आवर हो गया जी और बैटरी आप चेक करो जी, 55% इसने चार्ज कर दिया जी। यहाँ पे 2 आवर्स हो गए हैं जी और बैटरी इसकी 89% में पहुंच गई है। यहाँ पे 3 घंटे और 1 मिनट हो गया है और बैटरी आपको दिखा देता हूँ, ब्राइटनेस और सुपर करके 100% इसकी चार्ज हो गई है जी। यहाँ पे मैं रैम को कर देता हूँ स्टॉप। आखिरी 10% चार्ज होने में इसने काफी ज्यादा टाइम ले लिया है। खैर अभी चार्ज तो हो गया, ओके 3 घंटे लगे हैं जी टोटल। बैटरी तो इसकी हो गई है जी फुल। अभी मैं इसको 100% से 0% पे लेके जाऊंगा और इसके ऊपर सिर्फ पबजी खेलूंगा, अलग अलग ग्राफिक्स पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और मेन जो चीज वो ये है कि हम इसको लगातार खेलने वाले हैं, चेक करते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस निकलती है। बैटरी इसकी 100% है जी और यहाँ पे बैटरी हेल्थ 82% है। अभी मैं करता हूँ पबजी स्टार्ट और यहाँ पे हमारा टाइमर भी हो गया जी स्टार्ट। मैं सेटिंग में आ गया हूँ, यहाँ पे ग्राफिक्स चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं बैलेंस और मीडियम पे गेम प्ले करने वाला हूँ। ये हो गया जी हमारा पहला मैच स्टार्ट। पहला मैच हमारा खत्म हो गया, बैटरी इसकी 100% है और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गए खेलते हुए। अभी करते हैं जी ग्राफिक्स चेंज, यहाँ पे मैं स्मूथ और हाई पे गेम प्ले करने वाला हूँ। ओके हो गया, इस वाले मैच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हैं जी। बैटरी अभी 94% पे है और हमें ऑलमोस्ट 13 मिनट हो गए खेलते हुए। यहाँ पे मैं HD और हाई पे खेलने वाला हूँ। ओके हो गया, ये हो गया हमारा मैच स्टार्ट। टीम मैच लेट्स गो। बैटरी इसकी 86% पे पहुंच गई है और हमें ऑलमोस्ट 21 मिनट हो गए खेलते हुए। अभी करते हैं जी ग्राफिक्स पे जाते हैं और यहाँ पे HDR इसमें नहीं है, इसमें 3 ही ग्राफिक्स है जिनपे हमने गेम प्ले कर ली है और तीनों ग्राफिक्स पे गेम प्ले जरा सा भी लैग नहीं किया अगर आपका इंटरनेट से आ रहा हो तो। अभी नॉर्मली कोई और गेम प्ले करते हैं। ये हो गया हमारा मैच स्टार्ट। बैटरी अभी 84% पे है और हमें ऑलमोस्ट 27 मिनट हो गए खेलते हुए। अभी करते हैं जी एक और मैच स्टार्ट। बैटरी अभी 78% पे है और हमें 34 मिनट्स हो गए खेलते हुए। एक और मैच स्टार्ट हो गया जी। बैटरी अभी 58% पे है और हमें 1 घंटा हो गया खेलते हुए। बैटरी अभी 34% पे है और हमें 1 आवर 39 मिनट हो गया खेलते हुए। यहाँ पे 15% पे बैटरी पहुंच गई है और हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए खेलते हुए। अभी बैटरी 1% पे आ गई हुई है जी। गेम तो हम जीत के, लेकिन हमने चेक किया 1% पे आईफोन 6s प्लस काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। यहाँ पे भाई हमारा फ़ोन होगा टोटली बंद। अभी लाइट इसकी ऑन है LCD की और ये भी वो भी हो गया जी बंद। ये हो गया जी टाइमर स्टॉप। 2 आवर्स और 44 मिनट इसने निकाले हैं जी लगातार पबजी खेलने पे। और यहाँ पे इसका मैं बटन प्रेस करता हूँ, ये चेक करो जी फोन टोटली डेड है फोन की बैटरी। अभी इसने 2 घंटे और 40 मिनट निकाले हैं। अगर इसकी बैटरी हेल्थ 100% होती तो इसने 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा आराम से दे देना था, मतलब 3 आवर्स और 40 मिनट आपको इसने दे देने थे। अभी जनाब हम फिर से 100% से 0% पे इसको लेके जाएंगे और उसके ऊपर सिर्फ फ्री फायर खेलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ब्राइटनेस फुल करके, अगेन वही सारी कंडीशन है और चेक करते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस हमें देता है। बैटरी इसकी 100% है, बैटरी हेल्थ 82% पे है। ये होगी हमारी फ्री फायर स्टार्ट और यहाँ पे हमारा टाइमर भी होगा जी स्टार्ट। ये होगा जी हमारा पहला मैच स्टार्ट। अभी बैटरी 98% पे पहुंच गई है और हमें 10 मिनट्स हो गए जी खेलते हुए। ये वाला मैच स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ प्ले करते हैं। बैटरी अभी 87% पे पहुंच गई है और हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए खेलते हुए। 66% बैटरी और हमें 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट खेलते हुए। बैटरी 25% पे आ गई है और हमें 2 आवर्स हो गए हैं जी खेलते हुए लगातार। दूसरे मैच में भी चेक करो 1% का गेम कैसे ना लैग कर रही है, न्यू मैच में लगाया हुआ है।
इधर पे भी हम मर गए जी। ये चेक करो 1% पे बैटरी है और 2 hours and 50 minutes हो गया मैं खेलते हुए जी ऑलमोस्ट, पर फोन हो गया जी बंद। टाइमर को करता हूँ स्टॉप। 2 hours and 58 minutes इसने निकाले हैं। ये चेक करो इसकी बैटरी फुल डेड है। इसने हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे दिए और काफी सारे आईफोन में मैंने टेस्ट किया, सब में ऐसे ही सीन है। फ्री फायर कम बैटरी लेता है और पबजी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। बाकी अगेन इसका भी वो सीन, अगर आपकी बैटरी हेल्थ ज्यादा अच्छी होती 100% तक होती तो इसने आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे देना था। इसके पीछे एक छोटा सा कैमरा। अभी जनाब हम फिर से 100% से 0% तक जाएंगे बैटरी को लेकर और चेक करते हैं ये कितना टाइम निकालता है कैमरे पे। ये जी यहाँ पे 6S Plus बैटरी है, यहाँ पे आपको बैटरी दिखाता हूँ। इसकी बैटरी अभी 100% है और बैटरी हेल्थ इसकी 82% है। अभी करते हैं जी कैमरा स्टार्ट और यहाँ पे वीडियो। यहाँ पे मैं वीडियो कर देता हूँ स्टार्ट और यहाँ पे टाइमर भी कर दिया जी मैंने स्टार्ट। अभी 35 मिनट हो गए यहाँ पे। अभी इसकी जो बैटरी है वो 88% पे पहुंची हुई है जी। 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं जी। अभी जो बैटरी है वो 68% पे पहुंच गई है जी। यहाँ पे तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए कैमरा चलाते हुए। इसकी मैं बैटरी आपको दिखा देता हूँ और इसकी बैटरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 48% हो गई है जी। यहाँ पे जी 3 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको मैं बैटरी इसकी दिखा देता हूँ कितनी पहुँच गई जी। 11% पे बैटरी पहुँच गई जी इसकी। 3 घंटे और 24 मिनट हो गए यहाँ पे और इसकी मैं बैटरी आपको दिखाता हूँ कहाँ कितने पे पहुँच गई है। तो ये 1% पे पहुँच गई है जी। अब चेक करते हैं कितनी देर बाद बंद होती है। यहाँ पे फोन हो गया जी टोटली बंद। ये टाइमर मैंने कर दिया स्टॉप। कैमरा यूज पे इसने 3 hours and 45 minutes निकाले हैं जी। अभी जो भी मैंने कैमरा यूज किया है मैंने इंडोर यूज किया। अगर हम कैमरा आउटडोर यूज करें तो हमें ऑटोमेटिकली इसकी परफॉर्मेंस कम मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि जब आप आउटडोर यूज करते हो इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है। जब इसकी ब्राइटनेस फुल होगी तो स्क्रीन की रोशनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वो ज्यादा बढ़ जाएगी बैटरी ज्यादा खाएगा। सिंपल सी बातें हैं। उसके अलावा बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है तो फोन हीट भी अंदर के कंपेरिजन में बाहर ज्यादा होगा और बैटरी ज्यादा लेगा। आपको ये वाला टेस्ट भी करके दिखा देते हैं। ऐसे आपको यकीन नहीं आना मुझे पता, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा आउटडोर यूज करते हैं और मैं भी आउटडोर यूज करता हूं। इंडोर तो कोई भी नहीं कैमरा यूज करता। तो ये टेस्ट बनता है सक्सेस प्लस। यहाँ पे आप अभी इसकी बैटरी चेक करो फुल 100% है जी। तो मैं कैमरा करने लगा हूँ ऑन। वीडियो ये मैंने कर दिया जी स्टार्ट और इसको भी मैंने कर दिया जी स्टार्ट। ओके हो गया जी। और यहाँ पे आप ब्राइटनेस देखोगे ऑटोमेटिकली फुल है जी। यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं जी और यहाँ पे इसकी जो बैटरी है वो 77% पे पहुंच गई है जी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। वीडियो स्टार्ट अभी भी 1 hour हो गया जी यहाँ पे और यहाँ पे ये वीडियो स्टार्ट है। यहाँ पे इसकी आपको बैटरी दिखा देता हूँ 56% पे पहुँच गया जी। एक घंटा और 30 मिनट हो गया और यहाँ पे इसकी जो बैटरी है वो 32% पे पहुँच गई है जी। दो घंटे हो गए हैं जी और यहाँ पे 14% पे पहुंच गया जी। 2 hours and 23 minutes हो गए यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं बैटरी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे पहुंच गया जी। तो ये 1% पे पहुंच गया। 1% आपको पता फोन हैंग होता है तो ये हैंग हो रहा है। ये फोन हो गया जी पूरा बंद। यहाँ पे मैं टाइमर को कर देता हूँ स्टॉप। यहाँ पे इसने 2 hours and 40 minutes निकाले हैं जी आउटडोर कैमरे पे। आपने चेक कर लिया कैमरे की परफॉर्मेंस हमें 1 घंटा कम मिली है। अब बाती है बात, अगर हम इसको रेगुलर यूज करें तो ये कितना टाइम निकालेगा? रेगुलर यूज में मतलब ये कि हम इसमें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर ये वो चलाएं बस, तो ये कितना टाइम निकालेगा? तो डेफिनेटली आपको 5 घंटे का टाइमिंग आराम से दे देगा। गेमिंग में आपको 3 घंटे का दे रहा है आप यहाँ से हिसाब कर लो तो नॉर्मल यूज में आपको ये 5 घंटे का टाइम आराम से देगा। 82% बैटरी हेल्थ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसकी 100% होती तो गेम आपको 6 घंटे मिल जाना था आराम से। तो बस यार थक गया हूँ मैं टेस्टिंग कर करके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बाकी ठीक है, बाय बाय। तो यार जब तक मैं थंबनेल नहीं बना लेता मेरे रूह को सुकून नहीं मिलता। तो अभी मैं थंबनेल के लिए इस मोटरसाइकिल से बैटरी निकाले लगाऊं तो ये आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि थंबनेल पे बैटरी होनी है और अंदर आपको बैटरी दिख रही नहीं है। तो मैं सोचा आपको बिहाइंड द सीन दिखा दूं। क्या बात है जी।